हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे बाजरे के आटे का चूरमा। बाजरे का आटा लिया है एक बाउल, और ये हमने 2 चम्मच घी लिया है, और ये हमने गुड़ लिया है एक कटोरी के आसपास लिया है। इसको हमने टुकड़ों में तोड़ लिया है, और ये हमने कुछ ड्राई फ्रूट लिया है। ये हमने बादाम लिए हैं, इनको हमने इस प्रकार से तोड़ लिया है, और ये हमने नारियल का बरूदा लिया है, और ये हमने इलायची ली है, इसको हमने कूट लिया है, और ये चुटकी भर काली मिर्च और चुटकी भर नमक लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक परात ली है, इसमें हम ये आटा डालेंगे। मैं यहाँ गर्म पानी का यूज करूँगी। अब मैं ये आटे को गूंद लूंगी गर्म पानी से। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी, आटा गूंदूंगी। ये हमें आटे को इस प्रकार से गूंदना है, और हाथ से हम इसे मलते जाएंगे आटे को। जब तक हमारा आटा गूंदता है, तब तक मैंने ये तवा गैस पे रख दिया है, ये गर्म हो जाएगा। और इधर हमारा आटा गूंदकर तैयार हो चुका है। ये हमारा आटा तैयार हो चुका है। अब मैं इसकी रोटी बनाऊंगी आटे की। मैं इस प्रकार से हाथ से रोटी बनाऊंगी इसकी। ये हमारा तवा भी गरम हो चुका है, और ये हमारी रोटी हाथ से बन गई है। ये देखो कितनी अच्छी रोटी बनी है हमारी। इसे हम अपनी सारी रोटी बनाएंगे। अब मैं रोटी की साइड चेंज करूंगी। ये देखो हमारी रोटी कितनी अच्छी से सिकी है। इसी प्रकार से मैं अपनी ये दूसरी रोटी भी तैयार कर लूंगी। ये हमारी रोटी इस साइड से भी सिक चुकी है। अब मैंने ये दूसरी तवे पे रख दी है, और इस रोटी को मैं अच्छे से सेक लूंगी। जैसे हमारी रोटी सिक रही है, ये हमारी रोटी बढ़िया से सिक चुकी है, और इसे मैं एक प्लेट में रख लूंगी। अब मैं इस रोटी की साइड चेंज कर दूंगी। इसी प्रकार से मैं अपनी सारी रोटी बनाकर तैयार कर लूंगी, सेक लूंगी। ये मेरी रोटी सारी बनकर तैयार हो चुकी है। अच्छे से हमारी रोटियां सारी सिक गई हैं। पे गरम गरम रोटी के अंदर इस प्रकार से गुड़ डाल दूंगी, और जिससे कि ये गुड़ रोटी के अंदर ही पिघल जाए। अब मैं इसे इस मिक्सी के जार में डाल दूंगी, और इसको मैं बारीक पीस लूंगी। तो आइए देखते हैं, ये हमारी रोटी का चूरा अच्छे से बन चुकी है। रोटी की चूरी ये हमारी पीस कर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें ये हमारी 4 रोटी की चूरी है। अब मैं एक तरफ सॉस पैन लिया है, और इसको मैंने गैस पे रख दिया है, और जो ये मैंने 2 चम्मच घी लिया था वो इस सॉस पैन के अंदर डाल दिया है। ये हमारा घी पिघलने लगा है। अब मैं इसमें ये बादाम डाल दूंगी। इसको मैं हल्का सा भून लूंगी बादाम को, और साथ में ही मैं ये नारियल का बुरादा, इलायची के दाने, और ये काली मिर्च, नमक चुटकी भर, इसको भी साथ में ही डाल दूंगी, और इसे अच्छे से थोड़ा सा भून लूंगी।
और अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। ये हमारा अच्छे से भुन गया है। अब मैं इस चूड़ी के अंदर इसको मिक्स कर दूंगी। थोड़ी सी चूड़ी मैं इसमें डाल के इसको सारे घी को इसमें से मिक्स कर लूंगी, से अच्छे से मिला लूंगी। टेस्टी होते हैं, ये देखो लड्डू। और ये हमारी चूरी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।